ये आपकी टोटल 32 एंट्रेंसेस, ये आपके एंट्रेंस के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। जैसे N1 की जो एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस में रहने वाले जो व्यक्ति है वो बार बार आपको एक बात बोलते हैं, यार लोग ना हमें इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें यूज कर लेते हैं, जब हमें जरूरत होती है तब हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं होता। N2 वाले लोगों में जेलसी की भावना बहुत हो जाती है, लोग भी उनसे जलते हैं, वो भी लोगों से जलते हैं। N3 अबंडेंस ऑफ मनी देती है। N4 की एंट्रेंस आपको बेशुमार प्रॉपर्टीज, एसेट्स, मतलब आपका सारा पैसा प्रॉपर्टी में, फिक्स्ड एसेट्स में लगा रहेगा, सेव होता रहेगा। N5 की एंट्री आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। N6 की एंट्री जो है वो एंग्जाइटी, रूड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। N7 की जो एंट्रेंस है उसके अंदर माँ बाप और बच्चों में एक इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, माँ बाप की बच्चों से नहीं बनती, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। N8 की जो एंट्रेंस है वो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा हाई रखती है, ऊपर रखती है। ऐसे ही 8 एंट्रेंसेस आपको तो ईस्ट में देखने को मिलती हैं, E1 से लेकर E8 तक। E1 की जो एंट्रेंस होती है इसमें पैसे का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ईवन की एंट्री में होता क्या है, आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत ज्यादा खराब हो गए, इतने खराब हो गए, मतलब टीवी खराब हो गया ठीक कराया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई ठीक कराई, फ्रिज खराब हो गया ठीक कराया, माइक्रोवेव खराब हो गया ठीक कराया, कंट्रोल खराब हो गया, लाइट खराब हो गई, MCB उड़ गई, तार जल गई, कुछ ना कुछ आपके घर में होता रहेगा अगर आपकी ईवन की एंट्रेंस है। तो E2 की एंट्रेंस में व्यक्ति मौज मस्ती में बहुत पैसा खर्च करता है, पार्टी करने में बहुत पैसा खर्च करता है। E3 की एंट्रेंस बहुत पैसा, प्रॉफिट, सक्सेस देती है। E4 की एंट्रेंस आपको आपके कॉन्टैक्ट इतने बड़े बड़े कर देती है, आपको इतने बड़े बड़े लोगों से जोड़ देती है कि आपको लाइफ में बहुत ज्यादा गेंस मिलने लग जाते हैं। E5 की एंट्री व्यक्ति को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाती है, गुस्से वाला बनाती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ता है वो व्यक्ति। E6 की एंट्री मार्केट में नाम खराब करती है, रेपुटेशन लॉस करती है, कमिटमेंट फेलियर देती है। E7 की एंट्री व्यक्ति को ऐसा इंसेंसिटिव बना देती है कि उस व्यक्ति को जीवन में पैसे के अलावा कुछ भी दिख नहीं देता, वो व्यक्ति पैसों के चक्कर में अपने रिलेशन दूसरों से बड़े आसानी से ड्रॉप कर लेता है। E8 की जो एंट्रेंस है इस एंट्रेंस में ज्यादातर अग्नि से रिलेटेड एक्सीडेंट्स, चोरियां, फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते हैं। साउथ की जो 8 एंट्रेंसेस होती है इसमें S1 की जो एंट्रेंस है इसके इस एंट्रेंस में आपको आपकी जो संगति है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, और खराब भी कैसी हो जाती है, गलत लोगों से आप कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई मान लो नशा कर रहा है, घर वाले कहते हैं ना बच्चों को बेटा उनसे नहीं मिलना, दूर रहना है, लेकिन बच्चे उन्हीं से कनेक्ट होंगे। कोई व्यक्ति फ्रॉड है तो आप उस व्यक्ति से कनेक्ट होंगे, गलत चीज में आपका नाम आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके गलत लोगों की संगति में आप पड़ जाते हो। S2 की जो एंट्रेंस है ये लाइफ में काफी ग्रोथ देने का काम करती है, स्पेशली उनको जो लोग जॉब करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में। S3 की एंट्री बहुत पैसा सक्सेस देती है। S4 की एंट्री आपको एक ब्रांड बनाती है, नाम, शोहरत, पैसा बहुत मिलता है। S5 की एंट्री कर्जे की एंट्रेंस है, लोन्स, लॉसेस दोनों चीजें। S6 और S7 की एंट्री दरिद्रता, पॉवर्टी, वेस्टेज, डिस्पोजल की एंट्रेंस है। S8 की जो एंट्री है ये एंट्रेंस आपके रिश्ते नहीं बनने देती लोगों के साथ, आपको संसार से डिस्कनेक्ट कर देती है, आप अपने रिलेशंस कभी भी किसी के साथ डेवलप नहीं कर पाते। ऐसे ही 8 एंट्रेंसेस वेस्ट में, W1 से लेकर W8। W1 की एंट्रेंस पुअर फाइनेंस, लेस लाइट। W2 बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी, मतलब W2 की एंट्रेंस में मैंने देखा है व्यक्ति कहता है कि भाई साहब देखो काम, मैं पूछता हूँ प्रॉब्लम क्या है, W2 वाले से मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, W2 कहता है भाई साहब देखो 15 दिन तो ऐसा होता है कि मतलब संसार के जितने भी कस्टमर है ना वो परमात्मा ने ना बाकी सबको रोक के हमारे भी भेज दिए, वो भाई साहब 15 दिन मक्खी मारते रहते हैं। मैं अच्छा जी और क्या प्रॉब्लम है, कह रहा भाई साहब रिश्तों की बताऊं तो 15 दिन तो घर में ऐसा लगता है कि भाई साहब मैंने पिछले जन्म में ना कुछ 16 या 32 सोमवार रखे थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा वर या ऐसा वधु हुई, लेकिन अगले ही पल मैं सोचता हूँ साला क्यों ही रखे वो 16 सोमवार, नहीं रहता तो अच्छा। ठीक है, हर चीज में लाइफ में इंस्टेबिलिटी, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं।
W3 और W4 की जो एंट्रेंस है ये वास्तुशास्त्र में बेस्ट एंट्रेंस मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की W3 और W4 की एंट्रेंस है तो उस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम होती ही नहीं, प्रॉब्लम होती ही नहीं, मतलब वो व्यक्ति प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता ही नहीं। एक क्लाइंट आए, W3 W4 की एंट्रेंस थी, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब कोई प्रॉब्लम है? कह रहे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहे नहीं, वास्तु तो इसका मतलब ठीक है आपका, मैंने देखा W3 W4 की एंट्रेंस है, अब मुझे तो पता ना कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता ही नहीं, बट अपने को तो प्रॉब्लम देखनी है कि क्या प्रॉब्लम है। नक्शे देखे, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब मार्केट में कुछ पेमेंटें फंसती हैं आपकी? कह रहे सबकी फंसती है, किसकी नहीं फंसती, आपकी भी बचती होंगी। मैंने भाई साहब हम तो 100% एडवांस ले लेते हैं, आपने भी तो दिए ही हैं। बोले अच्छा हाँ, आपका तो सिस्टम है डिफरेंट, हमारी तो वो बचती नहीं। कहते नहीं इतनी नहीं बचती, थोड़ी बहुत। मैंने कहा अच्छा अगर हम बात करें 2020-21 की, कोविड भी था और सारी चीजें थी, तो आपकी लगभग कितनी पेमेंटें मार्केट में फंसी हो? कहते जी 60 लाख रुपए के आसपास बैड डेट से। मैंने कहा भाई साहब 60 लाख रुपए कोई दिक्कत नहीं है? कह रहे जब आप साल में 6 करोड़ रुपए कमा रहे हो और 60 लाख आपके मर गए, तो आप अगले साल 6 करोड़ कमाने पर फोकस करोगे या वो मरे हुए 60 लाख रिकवर करने में फोकस करोगे? बोले भाई तो हर बिजनेस में 10-20% वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता ही नहीं। नक्शे देखे, बोले मेरे को नक्शे देख के ना रिलेशनशिप इश्यूज दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके जीवन में क्या कोई रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स या रिलेशनशिप इश्यूज हैं? कहते पहले थे, अब नहीं है। मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे पहले थे और अब नहीं है का क्या मतलब है? कहते जी देखो दो बेटे हैं मेरे, दोनों यूएस में सेटल्ड है, एक डॉक्टर है, एक वहां पे अपना बिजनेस करता है, जैसे ओला उबर चलती है वैसे वहां उसकी गाड़ियां चलती है, वो वहां बिजनेस दोनों सेट है, अपना यहाँ फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, व्यापार है, अपने को खाली बैठ नहीं सकते तो अब अपना काम कर रहे हैं, एक टाइम बाद और 10 साल काम करेंगे, उसके बाद जो है अपना यहाँ का सब कुछ वाइंड अप करके हम भी विदेश में जाके सेटल हो गए। रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स बता रहे थे आप, कह रहे हाँ पहले थे अब नहीं है। एक्चुअली क्या था जी, मैं और मेरी वाइफ जो है ना वो इतना लड़ाई हो गई थी कि हम लोगों ने डाइवोर्स प्लान कर लिया कि हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, कि भाई एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। तो भाई साहब फिर क्या हुआ, जो रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स ठीक हो गए? कहते जी हमने ना बातचीत भी करनी बंद कर, हमने ये सोचा। मैंने कहा यार शादी को 35 साल हो, अब 35 साल के बाद डाइवोर्स लेते अच्छे तो लगेंगे नहीं, समाज में क्या बोलेंगे कि यार बुढ़ा बुढ़िया हो गया डाइवोर्स ले लिया ये वो है। कहते नहीं हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि इतना बड़ा घर है, इस कोने में मैं रहता हूँ उस कोने में तू, गए अपन म्यूचुअली सेपरेट हो गए ऑन पेपर नहीं, तेरे को जो करना है कर, घर पे आ बताओ, बच्चों के पास जा, जो करना है कर, तेरा मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरा तेरे से कोई। घर में चार कुक है, चार सर्वेंट है, जो खाना पीना होता है कुक बनाते हैं, पहले भी वही बनाते थे ना पहले वो बनाते थे, मेरा झगड़ा किस बात का, जब ना तो तू मुझे रोटी दे रही ना तो मुझे पानी दे रही, पैसे मैं तेरे को दे रहा हूं, तू झगड़ा किस बात का? तो भाई जब हम ना सेपरेट हो गए म्यूचुअली, मतलब संसार को नहीं बता के वी आर सेपरेटेड, बोले अब कोई टेंशन नहीं है भाई। तो ये ना W3 W4 की क्वालिटी है, इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो आदमी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता ही, उसको टैकल करना इतना इजीली आता है उसको प्रॉब्लम को, वो कहता है भाई साहब बहुत ही बढ़िया। तो ये जो दो एंट्रेंसेज है ना, मैं मानता हूं कि इनसे बढ़िया है कोई एंट्रेंस हो ही नहीं सकती। W4 की एंट्रेंस में आप लिटरली लगा लो आपके साथ एक जिन चलता है, लिटरली आप हो गए यार मर्सिडीज चाहिए, जिन कहेगा ओके आका प्लीज हैव इट आका, आप कहोगे यार मेरे को बड़ा घर चाहिए, जिन कहेगा ओके आका प्लीज हैव इट आका, ये दो आका आपका बड़ा घर। W4 की एंट्रेंस में इच्छा पूर्ति की एंट्रेंस है, आप जो चाहो जो मांगो आपको मिलता है, तो बेस्ट एंट्रेंस है ये। एंट्री अबंडेंस ऑफ मनी बच्चों वाली एंट्रेंस इनके आगे। W5 की एंट्री आपको ओवर एम्बिशियस बनाती है, आपको लगता है आपसे ऊपर कोई नहीं है। W6 डिप्रेशन की एंट्रेंस है, W7 में आपको किसी की भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं मिलता, और W8 की जो एंट्रेंस है इस एंट्रेंस में रहने वाले लोग थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं जाने में या अनजाने में, और
बाद में फंसने फुसने के चांसेस उनके थोड़े से रहते हैं। तो ये थी आपकी टोटल 32 एंट्रेंसेस और उनके इफेक्ट। नमस्कार, मजा आ रहा होगा आपको फ्री ऑनलाइन मास्टर कोर्स करके। और अगर आप इस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारा आने वाला जो एडवांस वास्तु कोर्स है उसके अंदर अपनी सीट बुक कर सकते हैं और सीख सकते हैं प्रॉपर वास्तुशास्त्र और बन सकते हैं एक एडवांस एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। जो एस्ट्रो वास्तुओं का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टॉपिक है जिसको हम एडवांस कोर्स में कवर करते हैं, और उसी के साथ साथ देवताज के डिस्क्रिप्शंस, जन्मपत्री के हिसाब से घर को डिज़ाइन कैसे करना है, फैक्ट्रीज पे काम कैसे करना है, ऑफिसेज में काम कैसे करना है, क्लाइंट से उपाय क्या कराने हैं। कई बार क्या होता है, वास्तु तो कर देते हो लेकिन क्लाइंट की हॉरोस्कोप में, क्लाइंट की पत्रियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनके उपाय कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्लाइंट से क्या डोनेशन करानी है, क्या रेमिडीज करानी है, क्या जेमस्टोन पहनाना है, कौन सी दिशा में बैठाना है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एडवांस कोर्स में। और उसी के साथ साथ पेंडुलम डाउजिंग और वर्चुअल प्लांटेशन ऑफ रेमिडीज का जो टॉपिक है, जो मेरे अलावा इस संसार में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता, वो भी आपको एडवांस कोर्स में सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। कोर्स की सारी जानकारी, डेट्स, टाइम और जो भी कोर्स कंटेंट है एडवांस कोर्स का, सब उसमें अवेलेबल है। देखिए, अपनी सीट जल्द से जल्द बुक कीजिए ताकि हम आपको अपने फेसबुक ग्रुप में ऐड करके प्री प्रिपरेशन आपकी शुरू कर सकें। धन्यवाद।